भुवनेश्वर में पहले दिन की शुरुआत ऐसे हुई। हमने नहा लिया और अभी रेडी हो रहे हैं हम अपने दादाजी से मिलने के लिए। उनका घर यहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बिट्टू यहाँ से बाहर का नज़ारा देख रहा है क्योंकि बाहर एक स्लाइड है तो वहाँ उसको खेलना है, तो बता रहा है कि मुझे खेलना है। तो हम बोल रहे हैं कि जाते टाइम थोड़ा बहुत खेल लेना, उसके बाद हम चलेंगे। तो अब हम जाएंगे स्कूटी में। तो मैंने अपनी बाल बना ली, अभी चलिए ड्रेस कंप्लीट करते हैं। ट्रेडिशनल उड़िया घर की बहू हूँ तो चुन्नी कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन उसमें भी थोड़ा मैं स्टाइल कर लेती हूँ, यानी कि अभी चलिए वेस्टर्न वेयर, जैसे कि मैं अपना गॉगल्स पहन लेती हूँ। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। खुद के चुन्नी या ड्रेस से बढ़िया ऑप्शन गॉगल साफ करने का कुछ भी नहीं होता। पीछे मेरी मम्मी खड़ी है तो अभी चलते हैं। किधर चले? लेफ्ट राइट लेफ्ट, चलिए। तो नाई पढ़ू तो नाई चढ़का खेलमी खेलमी हो तू सुतु डोरबर खान हाँ चप्पल पिन जिमा चल हम तो घर से सुबह सुबह उपमा मम्मी और पापा दोनों ने मिल के बनाई थी और उसके साथ तीखा वाला लहसुन की चटनी बोल सकते हैं, अचार बोल सकते हैं, जो भी, वो खा के हम निकल चुके हैं। लेकिन स्कूटी को अगर थोड़ा सा खाना नहीं देंगे तो वो भी रुक जाएगा, इसीलिए हम आ गए पेट्रोल पंप पेट्रोल भरने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी, यहाँ पे जो स्कैन कोड है वहाँ पे मैंने स्कैन किया, पैसा डाला, फिर मेरे पास एक मैसेज आया, वहाँ पे एक लिंक था, वहाँ पे उन्होंने क्लिक किया, वो लिंक काम नहीं दे रहा था, फिर वो मैसेज से कुछ कोड वोड वहाँ उनके स्कैनर में उन्होंने डाला, उसके बाद उन्होंने मुझे पेट्रोल दी। पता नहीं इतना लेंदी प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं, स्कैन करते ही पैसा जाता है, फिर वो चिल्ला के बोलता है आपके अकाउंट में इतना डिपॉजिट हो गया, फिर वो लोग पेट्रोल दे देते हैं। यहाँ पे तो इतना टाइम किसके पास है पता नहीं, ये सब प्रोसीजर करने के लिए। जो भी हो, मैंने पेट्रोल भरवा ली है, चलिए अभी चलते हैं आगे। यहाँ पर हम रुक गए फिर ट्रैफिक में, जितना बड़ा जगह उतना ज़्यादा ट्रैफिक। तो ये है मेन चौक जिसका नाम है एजी चौक। रास्ते में हमने खरीदी सेब दादाजी के लिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आपको पता है हम अभी हैं भुवनेश्वर में और हम मिलने आए हैं, मैं बिट्टू और दास जी मिलने आए हैं मेरे दादाजी से, जिनको कि 101 साल हो चुका है। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि और बहुत 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 साल वो हमारे साथ रहें। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं मिलने के लिए। दास जी और बिट्टू को चॉकलेट वगैरह खरीदने गए हैं, बिट्टू पूरा नींद में था तो रात को हमने जर्नी की है, जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा था। जर्नी के बाद वो भी थोड़ा सा टायर्ड हो गया है, लेकिन चलूँगा साथ बोला, इसीलिए हम उसको लेके आ गए, लेकिन वो रास्ते में थोड़ा सा सो गया। तो वो लोग आने के बाद फिर हम चलते हैं दादाजी से मिलने के लिए। तो कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग को। ब्लॉग में जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, तभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। तो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट चॉकलेट खरीद लिया, अभी हैप्पी चले ऊपर। मतलब 300 लाख लगे
लिफ्ट का काम चल रहा है तो हमें स्टेप से ही आगे मतलब ऊपर चढ़ना है। चलिए चलते हैं। तो ये हैं मेरे दादाजी मतलब पापा के पापा और अभी हैं ताऊ जी के घर में। तो बिट्टू बहुत दिन बाद मिल रहा है, शायद 2 साल बाद मिल रहा है। जब वो छोटा था तो वो हमारे घर में मतलब मेरे मायके में ही थे, अभी ताऊ जी के यहाँ हैं। तो जब छोटा था तो उनको पहचानता था, अभी थोड़ा थोड़ा भूलने लगा है। रेगुलर देखता तो अलग बात थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उसको भी याद है। तो दोनों बात कर रहे थे, ये चीज़ें बहुत इमोशनल करती हैं मुझे। तो दादाजी का एज अभी है 102 और बेड रिडन है, लेकिन बहुत ज़्यादा याददाश्त उनका सही है। बचपन की बातें कर रहे थे मेरे बारे में, दास जी को बता रहे थे कि मैंने एक बार उसको पीट दिया था और वो बहुत रोई थी बोल के। हाँ, मैं स्कूल जाने में दिक्कत करती थी, इसीलिए एक दिन उनसे बहुत पिटाई हुई और उसके बाद मैं रेगुलर स्कूल जाने भी लगी। तो अभी घर जाने से पहले उनसे फिर फाइनल में बातें कर रही हूँ, अभी चलेंगे फिर बहन के घर। कहाँ जाना है आपको बेटो? कहीं जाना है कि घर जाना है? मछली खा के सोना है। मछली रानी रात को तल के खानी है। रात को तल के बेटा, दोपहर को ही तल के खाओ। कहीं जिमा बैल है दो? आज ना जिमा इधर झूम। चलिए तो फिर चलते हैं घर। बेटू ने पहन लिया है हेलमेट और वो निकालने वाला तू की बैल। अरे बाबा घर पहुंच गया। आई नो काला हेलमेट है, एक नंबर का काला हेलमेट है। तो यहाँ पे डबल हेलमेट कंपलसरी है। तो ये दास जी पहने थे और मैं बहन का, तो वो टिक्की में अभी फिट है और मैं और बिट्टू जा रहे हैं घर। दास जी बिट्टू के लिए कुछ मेडिसिन लाने गए हैं क्योंकि बिट्टू का तबीयत हो गया है खराब। फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। दोपहर को आके हमने मछली और राइस खा ली और फिर एक पावर नाप के बाद अभी शाम के बजे हैं 5:30। तो चलिए चलते हैं, सामने एक पार्क है जो कि है फॉरेस्ट पार्क। तो वहाँ जाके थोड़ा बिट्टू को पार्क में वो खेलेगा, हम लोग थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा फोटोशूट करेंगे, थोड़ा रिफ्रेश होके फिर वापस घर आएंगे। तो एंट्री के टाइम मुझे दिख गया झालमुड़ी, तो एक पैकेट झालमुड़ी 20 रुपये खरीद के चलिए अभी अंदर चलते हैं पार्क के। Thank you.
बिट्टू का आदत है पार्क में जाने के लिए, वो हमेशा जिद करता है, जाऊंगा खेलूंगा बोलता है, लेकिन वहां जाने के बाद सिर्फ वो छोटे बच्चों की जो चीज़ें होती है वहां पे ही खेलता है। बड़े बच्चों की चीज़ें करने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन हम उसको फोर्सफुली करवाते हैं, एक बार कर लेता है हमारी खुशी के लिए और फिर जाके बच्चों के जगह पे फिट हो जाता है। अभी जैसे उसको हमने बोला कि यहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते से उतर आएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठी थी और ये सामने एक लाइट का कुछ है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत सुंदर लगता था। लाइट बीच बीच में चेंज होता था, तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने फ़ोटो शूट की, बहुत सारे रील भी बनाए। रील देखने के लिए मेरे जो इंस्टाग्राम पेज है मोनाली द ब्लॉगर में आप जाके रील्स देख सकते हैं। वहाँ पे मैं रीजनल मतलब अपने लैंग्वेज का रील भी छोड़ती हूँ और नॉर्मल हिंदी गानों का रील्स भी छोड़ती हूँ, तो उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। ये जगह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. हो रही थी और मेरे चलने के बाद वहाँ पर बिट्टू भी आके चलने लगा, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे लोग रास्ते में चलते हैं उसी तरह वो कितने प्यार से चल रहा है, लेकिन आते टाइम अभी देखिएगा आप वो कैसे साइड साइड बार को पकड़ के प्लेन रास्ते में चला आया।
आते टाइम गेट के पास ही था जिम का इक्विपमेंट, तो दास जी लगे हैं अभी सिटअप मारने में, और उधर पापा और बिट्टू चले हैं अपना खेल में, और हम घर आके मुझे मिल गया ये बादाम की चिक्की। तो मैं फेयर होटल का है और पूरी देसी घी का है, तो बहुत ही टेस्टी था। डायरेक्ट घी मैं खा नहीं पाती हूँ, लेकिन अगर किसी भी स्वीट्स में डाला हो तो थोड़ा बहुत मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी था ये, मेरे बहनों ही लाए थे, तो मैं आधा ख़त्म हो चुका था, पता नहीं किसने खाया था, मैंने आधा खाया और थोड़ा सा दास जी के लिए भी बचा के रखा था, वो टेस्ट करेंगे बोल के। और अभी हम फिर से निकल रहे हैं मेरी बहन के यहाँ, मतलब मामा की बेटी, वो भी यहाँ रहती है। ओ क्या वीडियो तो हाँ तो जाओ जाए, बेटू बोल रहा है नीचे सीढ़ी है, देख के चलिए वीडियो क्या बना रहे हैं। तो चलिए अभी कुछ खरीदेंगे और फिर उनके घर जाएंगे। मैं सोच रही थी अभी वीडियो एंड करूं, लेकिन टोटल आज ये पहले दिन में ही हमने क्या क्या कवर कर रही हूँ इस ब्लॉग में। तो हम सब जा रहे हैं, मम्मी पापा दास जी बिट्टू और मेरी बहन नहीं जा रही, बहनों ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उसके घर, मिलाऊंगी मेरी भतीजी के साथ, तो बने रहिए ब्लॉग में। हाँ, और हमने फर्स्ट क्राई से कुछ भी नहीं खरीदा, हमें जो भी चाहिए था वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। हम गए श्री लेदर्स, मम्मी के लिए चप्पल खरीदी, बिट्टू के लिए बेल्ट और एक स्कूल बैग, बस इतना लेके हम आ गए। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो हम पहुंच गए अपनी बहन के यहाँ, और ये है मेरी प्यारी सी भतीजी। ये लोग पहले हमारे ही वहाँ बेलपहाड़ में रहते थे, अभी ये लोग शिफ्ट हो गए हैं भुवनेश्वर। तो वो बिट्टू को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और उसके लिए उसका फेवरेट आया था, बैठ गए। तो दोनों भाई बहन खाएंगे, खेलेंगे और मस्ती करेंगे। हम लोग भी यहाँ पे लंच करके ही जाएंगे। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए, मोबाइल में बात कर रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ। उसके बाद बाहर से मंगवाया है चिकन करी, शायद बटर मसाला था, और उसके साथ बिरयानी, सबका फेवरेट। तो चलिए डिनर करके आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट में। फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।